पल्सर 150 का मीटर है ये, इसका डिस्प्ले फेड हुआ हुआ है, इसमें हम इसका डिस्प्ले रिपेयर करेंगे। ये जो इसकी बैक साइड की शीट रहती है हम चेंज करेंगे और दिखाएंगे डार्क थीम में ऑरेंज लाइट के साथ कैसा दिखता है और डार्क थीम में वाइट लाइट के साथ कैसा दिखता है, और लेफ्ट साइड में RPM ग्रीन ब्लू रेड इसका मिक्सचर करके हम लगाने वाले हैं, इसमें नीडल भी चेंज करेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। ये मीटर हमारे पास आया है कर्नाटका से, ठीक ठाक पैकिंग के साथ, मीटर बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई वाटर डैमेज का कोई निशान नहीं। सबसे पहले इसको लगा के चेक करते हैं किस कंडीशन में मीटर आया है हमारे पास। फेडेड डिस्प्ले, दिन में दिखता है बट रात को बिल्कुल नहीं। तो इसके सभी स्क्रू फॉरवर्ड से खोल लेते हैं, नीडल निकाल लेते हैं इसकी, स्टिकर के सभी स्क्रू खोल के बोन बॉडी के दो स्क्रू भी खोल लेते हैं और ये हमारा मीटर अलग हो जाएगा अभी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइए। आप कमेंट में मुझे आपके मीटर के रिगार्डिंग कुछ भी आपकी कोई क्वेरी रहेगी आप पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इस पर आपके मीटर का एक चाबी ऑन ऑफ करने के टाइम वीडियो बना के और आप मुझे कॉल कीजिए, तो मैं आपका वीडियो देख के आपको जो भी चार्जेस वगैरह रहेगा, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, वो मैं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब हम इसका डिस्प्ले निकाल रहे हैं और हमें डिस्प्ले निकाल के इसमें इसका यही वाला ओरिजिनल डिस्प्ले रिपेयर करेंगे। इसको रबर ग्लू से चिपकाए हुआ रहता है डिस्प्ले को, तो इसको थोड़ा ध्यान से निकालना रहता है क्योंकि ये थोड़ा भी एक साइड से किसी साइड से ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ये टूट जाएगा। ये जो इसकी बैक साइड की शीट है ये ख़राब हो जाती है, तो इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। इसके ऊपर गम लगा हुआ होता है, इसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ये हमारी डिस्प्ले क्लीन हो गई, इसको हमने केमिकल से साफ़ कर लिया है। ये केमिकल इतना इफ़ेक्टिव रहता है कि ये एक तो इसका पूरा गम उतार देता है और दूसरा इसको हमें जो हम इसके ऊपर शीट लगाएंगे उसको भी अच्छे से स्टिक होने में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास पल्सर का डार्क थीम वाला स्टिकर, हम इसके ऊपर ये लगाएंगे, बट बबल्स ना रह जाए बीच में, इसलिए हम इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। ये हो गया डिस्प्ले का काम ख़त्म, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ओके, हमारा परफेक्टली काम हो गया इसका। अभी आ जाते हैं मीटर पे, इसमें चल रही है ऑरेंज लाइट, देख सकते हैं राइट में डिस्प्ले के साइड में ऑरेंज और नीडल के सब साइड में रेड था। तो हम इसका ये सब लाइट वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे, उससे पहले आपको ओरिजिनल ऑरेंज लाइट में डिस्प्ले डार्क थीम में कैसा दिखता है ये दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लुक है डिस्प्ले डार्क थीम में ऑरेंज लाइट के साथ में। चलिए इसको निकाल देते हैं, सारी लाइटें निकाल लेते हैं इसकी। नीडल में इसकी कंपनी की तरफ से सिर्फ एक लाइट आती है, बट नीडल को हमें थोड़ा ज़्यादा ग्लो करने के लिए इसमें हम दो लाइट लगाएंगे। एक नीडल के लेफ्ट साइड में और एक नीडल के राइट साइड में। कलर मॉडिफिकेशन के लिए हमें बहुत से टाइम मोस्टली मतलब हमें इसमें अलग से सर्किट बना के लाइटें लगानी पड़ती है। अगर हम सिर्फ कंपनी ने जो जगह दी है उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो लाइट में वो ग्लो नहीं आएगा। तो देखिए अभी डबल लाइट डबल ग्लो हो गया है, और ये देखिए अभी हमारा सारा काम इसमें लगभग कंप्लीट हो चुका है। डिस्प्ले में डार्क थीम लगा दिया है और लेफ्ट साइड में हमने ब्लू रेड और ग्रीन लगाना है, अभी इसमें रेड रह गया है, रेड भी लगा देता हूँ।
ये देखिए मैंने इसमें रेड भी लगा दिया, ब्लू भी लगा दिया, ग्रीन भी लगा दिया, और डिस्प्ले को अभी तक मैंने सोल्डरिंग नहीं किया था, तो इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग हो गई, सब काम हो गया। इसका निडल भी चेंज किया, ये देखिए, ये अगर इसका पुराना इसमें निडल लगाएंगे तो इस टाइप का कुछ ग्लो आएगा, तो हमने इसमें ट्रांसपेरेंट वाला निडल लगाया है। इसका ग्लो देखिए, पूरा ग्रीन कलर का ग्लो कर रहा है। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार ट्राई किया है, वो भी कस्टमर को सजेस्ट किया मैंने कि सब लोग ग्रीन ही लगाते हैं आरपीएम साइड में, आप थोड़ा ब्लू ट्राई कीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लीजिए, आप ब्लू ही कर दीजिए। तो देख सकते हैं मीटर कितना अच्छा से वर्क कर रहा है। ये है हमारा स्पीड टेस्टिंग, और अभी मैं आपको इसका आरपीएम भी टेस्ट करा देता हूँ। ये देखिए, ये आरपीएम भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट पर ज़रूर लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों से भी कराएं। आजकल मेरा चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, आपकी कोई क्वायरी हो तो आप मुझसे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लास्ट में अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ।